लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रकट हो मैं सभी दिव्य लोगों की शक्ति को अपनी दानवी शक्ति से नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सावधान मयूरेश्वर, अब तेरी मेरे अमरास्त्र से कोई रक्षा नहीं कर सकता। मेरे दिव्य शस्त्र अमरास्त्र, जाओ सबसे पहले कैलाश को नष्ट भ्रष्ट कर दो, उसके बाद इस मयूरेश्वर का अंत करके ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक को भी नष्ट भ्रष्ट कर दो। नारायण नारायण, तुम्हारे दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी बार बार रक्षा करने में समर्थ नहीं है सिंधु। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो गौरीपुत्र श्री गणेश को पुकारो, उन्हीं से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगो। वो भी तो महागणेश का अवतार है, वो भला मेरी रक्षा क्यों करेगा? दैत्यराज, यदि तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारोगे तो वो तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। गौरी पुत्र श्री गणेश को पुकारो मूर्ख, अन्यथा व्यर्थ में ही मारे जाओगे। मूर्ख सिंधु, तुम्हारे सम्रास्त्र से अमर व्यक्ति भी जीवित नहीं बच सकता। मंगल मूर्ति को पुकारो। हे मंगल मूर्ति, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, मेरे प्राणों की रक्षा करें। अच्छे हृदय से प्रार्थना करने वाले पर कृपा करना हमारा कर्तव्य है सिंधु। हमसे जो शरणागत होने की प्रार्थना करता है हम उसे जीवन दान अवश्य देते हैं। मैं तुम्हारा शरणागत नहीं हूँ गौरी पुत्र, मैंने तो अपनी प्राण रक्षा के लिए मात्र तुम्हारा प्रयोग किया है। तुम्हारा यह प्रयोग और देवर्षि का परामर्श इसीलिए भी था सिंधु कि तुम्हारा संहार अमरास्त्र द्वारा नहीं अपितु प्रिय मयूरेश्वर के हाथों ही होना है। अब तुम्हारे पापों का घड़ा भरने ही वाला है सिंधु। मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहारों से तुम बच नहीं पाओगे। सभी को अपने स्वामी दैत्यराज सिंधु द्वारा यहां बंदी बनाया देखकर मैं बहुत दुखी हूं। उनके इन्हीं पापों के कारण आज उनका जीवन संकटों से घिर चुका है। देवी वरुणाक्षी, अन्याय और अत्याचार को संसार की शुभ शक्तियां कभी क्षमा नहीं करती, परंतु भक्ति पूजा और आराधना के प्रभाव से
भयानक से भयानक दुष्कर्म भी पुण्यों में बदल जाते हैं। इसीलिए तो मैं श्री महागणेश की शरण में आई हूँ। मेरी ओर से आप सभी श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वे मेरे स्वामी की दुष्टता और अपराधों को क्षमा करें और उन्हें जीवन दान दें। अवश्य देवी, शरण में आने वाले को परमदेव श्री महागणेश कभी निराश नहीं करते। आप भी हमारे साथ परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। श्री गणेश की जय। देवताओं, सिंधु दैत्य के अमरास्त्र के कारण आपकी जो दिव्य शक्तियाँ नष्ट हो गई थी, अब वे परम देव श्री महागणेश की कृपा से आपको पुनः प्राप्त हो गई हैं। गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र श्री गणेश की। दुष्ट देवताओं, क्या तुम्हें मेरी भयानक विध्वंसक और विस्फोटक दानवी शक्तियों का तनिक भी भय नहीं? अब मेरी दानवी शक्तियां तुम्हें भयभीत होने के लिए भी जीवित नहीं छोड़ेंगी। सावधान सिंधु, तेरी मृत्यु ही तुझे यहाँ खींच लाई है। गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा से हम देवता दिव्य शक्ति संपन्न हो चुके हैं। लौट जा, लौट जा। गौरी पुत्र तुम्हें कितना भी दिव्य शक्ति संपन्न बना दे, परंतु मेरे समान अमर नहीं बना सकते। अमर वरदानी सिंधु के प्रहार अब तुम देवताओं के नाम इतिहास के पन्नों में सुरक्षित कर देंगे। अमर वरदानी सिंधु की दानवी शक्तियां देवताओं और शुभ शक्तियों को कलंकित कर देंगी। अब मेरा प्रहार किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। सावधान मयूरेश्वर, अब मैं तेरा अंत करने कैलाश आ रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। देवादिदेव महादेव, गौरी पुत्र श्री गणेश की कृपा से हम सभी देवता दुष्ट सिंधु के बंदी गृह से मुक्त हो गए। महादेव, अब उस दुष्ट सिंधु के अत्याचारों से संसार को मुक्त कराना आवश्यक हो गया है। हे भोलेनाथ, आप मयूरेश्वर श्री गणेश को सिंधु का अंत करने की आज्ञा दें। स्वामी, अब सिंधु के वध में विलम्ब करना उचित नहीं है। यदि वो अधिक समय तक जीवित रहा तो संसार की व्यवस्था अस्त व्यस्त कर देगा। इस संसार की व्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से अब केवल सर्वशक्तिमान सिंधु ही बचा सकता है, क्योंकि अब इस संसार में सर्वशक्तिमान सिंधु का राज्य स्थापित हो गया है। महागणेश, त्रिदेव और त्रिदेवियों की भक्ति करने वाले अनेक भक्तों ने
सिंधु के भय और अत्याचार से भयभीत होकर दैत्य धर्म को अपना लिया है। अब इस संसार से धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख सिंधु, संसार से धर्म का नाश कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से ही तो संसार के प्राण है। धर्म और संसार का संबंध वैसा ही है जैसा माता का पुत्र से होता है, गुरु का शिष्य से होता है, नदी का जल से होता है। धर्म के नाश की बात कहकर तू अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। मुझे मूर्ख कहने का दुस्साहस ना कर मयूरेश्वर, मैं अपनी दानवी शक्ति से इसी समय तुम सबको नष्ट कर दूंगा। का तेरे सिर पर चढ़कर बोल रहा है सिंधु? अब मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा और तेरा अंत तेरे समीप है। आपका स्नेह आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका कल्याण हो, परंतु भविष्य में सावधान रहिएगा। अभिमान और अहंकार का परिणाम कभी सुखद नहीं होता। परम देव श्री महागणेश की कृपा से अब आप सभी दिव्य लोकों में प्रवेश कर सकते हैं।